दोस्तों, सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और फाइनल नई व्लॉग आ चुका है हमारा, सीधा प्रेम मंदिर से लाइटिंग शो दिखाने वाले हैं आपको। ये देखो आप गाइस, जन्नत देखो आप, जन्नत देखो आपको सामने गाइस, देखो बस देखो, बोलो राधे राधे। ये क्या है गाइस, देखो मेरा पति कृपा से सब काम हो रहा है। दिल मानने को तैयार नहीं, कन्हैया को छोड़ के जाने का मन नहीं। तो चलिए इस जगह को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है हमारा, और अलविदा कहते हैं इस जगह को बहुत ही भारी मन से, बट जल्द आएंगे कन्हैया से मिलने दोबारा। दोस्तों, सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और फाइनल नई व्लॉग आ चुका है हमारा, सीधा प्रेम मंदिर से लाइटिंग शो दिखाने वाले हैं आपको हम, और लाइट्स में कैसा लगता है प्रेम मंदिर हमारे रात में वो दिखाने वाले हैं। और पीछे से हम देख सकते हो भगवान जी की मूर्ति बनी हुई है राधा जी के साथ, और उनकी मूर्ति घूम रही है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है ये। और आप क्लीननेस देखो, यहाँ पे फ्लावर्स देखो कितने मस्त लग रहे हैं। और प्रेम मंदिर दिखाता हूँ आपको, लाइट जल चुकी है, कैसा लग रहा है एक बार चलिए घुमाता हूँ कैमरा और दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो प्रेम मंदिर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखो अभी लाइट जलने स्टार्ट हो गई है, सो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का नाइट शो होता है। सो हमने सोचा आपको एक बार नाइट शो भी दिखा देते हैं प्रेम मंदिर का कि कैसा लगता है, देख सकते हो आप। गुरु ही मानते हैं, जगत गुरु कृपालु महाराज इसीलिए होता है, सबको गुरु है। गाइस ये ओपन हो चुका है देखो फाउंटेन शो के लिए, और अब हम आ चुके हैं अंदर, और अब दिखाते हैं आपको कुछ फाउंटेन्स वगैरह चालू हो चुके हैं। सो ये अभी पहले बंद था, सो ये नाइट में ही ओपन होता है, तो अब हम तुरंत हमारी एंट्री हो चुकी है, देख सकते हो आप। सो स्टार्टिंग में अभी घुसे हैं, बस अब भीड़ आनी स्टार्ट हो गई हमारे पीछे पीछे, तो अब बस अब आपको दिखाता हूँ फाउंटेन्स वगैरह मस्त। देखो प्रेम मंदिर के पास लाइटिंग हो चुकी है स्टार्ट हमारी, और रात हो चुकी है, और ये पूरी अपनी टीम देख सकते हो यहाँ पे ठंड में एकदम सबने सर पे बांध लिया अपना ये, और बहुत ही ठंड हो चुकी है रात में। और ये देख सकते हो पीछे प्रेम मंदिर में लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी है, और अब मैं दिखाता हूँ फाउंटेन शो चल रहा है पीछे, एक बार अभी दिखाता हूँ आपको। तो बहुत ही मस्त हो गया सीन अब एकदम, रात में लाइट्स वाला एकदम, बट ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ठंड हो रही है काफ़ी ज़्यादा, बट आप कपड़े वपड़े ठंडे पहन के गर्म पहन के तभी आओ। चलिए फिलहाल फाउंटेन दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप गाइस, जन्नत देखो आप, जन्नत देखो आपको सामने गाइस, देखो बस देखो, बोलो राधे राधे। ये क्या है गाइस, देखो ये कुछ नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेवल है ये नहीं मिलेगा कहीं देखने को भाई। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भाई नाराज हो गया हमारा, गुस्सा हो गया, कह रहा है भाई अब बहुत लेट हो चुकी है, ठंड लग रही है भाई को, अब बुखार उखार आ सकता है, तो निकलने कह रहा है, तो धमका दिया फिर, अब हमें जाने पड़ेगा, ऑप्शन नहीं बचा। एक बार ये देखो दोबारा, चलो ठीक है आगे जा रहा है यार।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो गाइस कैसे छोड़ के जाएं इस जगह को आप बताओ। दिल मानने को तैयार नहीं, कन्हैया को छोड़ के जाने का मन नहीं। ये ऐसी जगह है, ऐसा इस टाइम सुकून है जिसे छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बट जाना भी पड़ेगा क्योंकि टाइम हो चुका है हमारे यहाँ से निकलने का, काफ़ी टाइम हो चुका है, रात भी हो चुकी है। तो चलिए इस जगह को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है हमारा, और अलविदा कहते हैं इस जगह को बहुत ही भारी मन से। बट जल्द आएंगे कन्हैया से मिलने दोबारा, और टाइम निकाल के आएंगे अच्छे से ताकि वक्त बिताएं यहाँ पे और अच्छे से आपको दिखाएं, अच्छे से खुद ही फील कर सकें, कन्हैया के साथ यहाँ बैठ के बातें करें। और चलिए फिलहाल के लिए अभी आप बस इसे देखिए, आप प्रेम मंदिर को देख के फील कीजिए कि हम क्या फील कर रहे हैं इस टाइम राइट नाउ। बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, और ये ऐसा कभी पहले देखा नहीं इससे पहले। बाकी बिहारी वाला ब्लॉग भी दिखाया था आपको, वो भी बहुत अल्टीमेट था। बट जो प्रेम मंदिर को देख के जो अंदर से वाइब्स आई हैं, जो अंदर से वाइब्रेट हुई है बॉडी, वो कुछ अलग है। बस कैसे बताऊँ मैं आपको, अब दिखाता हूँ मैं आपको एक बार यहाँ पे कृष्ण जी का डांस चल रहा है, वो दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। एग्जिट के हम अब ये देखो एग्जिट, मतलब यहाँ पे बस निकल रहे हैं, अलविदा कहने का टाइम आ चुका है और अब हम आ चुके हैं बाहर। बस एग्जिट करते हैं यहाँ से और अपनी सेरा पिक करते हैं फटाफट से और फिर निकलते हैं यहाँ से। और बहुत ही शानदार रहा, मस्त देख सकते हो ये मंदिर, जगत गुरु कृपालु परिसर श्यामा श्याम धाम। और ये प्रेम मंदिर का गेट जहाँ से हमने एंट्री करी थी, एग्जिट भी यहीं से होनी है। तो चलिए चलते हैं बस। तो गाइस देख सकते हो किशन जी झूला झूल रहे हैं दादाजी के साथ। निकलने का टाइम हो गया, यहाँ से प्रेम मंदिर में दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। अपने दोस्तों से पूछते कैसा रहा फिर सफर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेम मंदिर में आके अलग ही फील आ गई, किशन जी को झूलते और बहुत ही बढ़िया आनंद हो गया। और किशन जी को झूलते हुए देखा, डांस करते हुए देखा, और गोवर्धन पर्वत देखा, राम मंदिर प्रेम मंदिर देखा, सब कुछ देख के अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। आपको प्रेम मंदिर के दो ब्लॉग देखेंगे, एक बिना विदाउट लाइटिंग, एक लाइटिंग के साथ। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वो चल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक रहे टेक केयर गाइस, राधे, जय श्री राम। और हम फाइनली निकल चुके हैं अपने वृंदावन से दिल्ली के लिए।